हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी आर वेरी वॉम वेलकम टू टुडे सेशन दिस इज निकिता मैम आपकी निकी मैम केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतू आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि द करेक्ट वे हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम तो अभी तक तो आपको आईडिया लग गया होगा कि एनसीईआरटी इज द की आप अच्छे से पहले एनसीईआरटी एनसीईआरटी रीड करो

read it and understand it i mean you should actually love what you're doing that's how you will do really great in life theek okay? hai now first of all jo hai yahan pe point likha hua hai ki prioritize ncrt textbook hai na to prioritize kaise karoge first of all and underline the key points to ncrt mein na बहुत important sentences या वर्ड दिए होते हैं जब भी आप read I mean पढ़ना start करो एनसीईआरटी सी आई होप अभी तक आपने कर दिया होगा you have to study

थिंक फेरेस्ल्फेट की क्रिस्टल्स को हीट कर रही थी सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकोम्पोजिशन रिएक्शन तो वैसे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है सो so, आपको यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द एग्जाम्पल्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके बाद एक्सम्पलर क्वेश्चन है वो जब आप कम्पलीट कर लो ना देन प्लीज गो अहेड विध एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस बुक सारे reference books अगर आप खरीद लोगे पढ़ोगे नहीं तो आई थिंक इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी तो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन जो भी है आपके उसको सोल्व करो स्टार्ट फर्स्ट विद इंटेक्स क्वेश्चन टॉपिक वाइज जब जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना इंटेक्स क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करते जाओ कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है रिवाइज करो उसको एट दैट पर्टिकुलर टाइम ताकि आप भूलो मन उसको बाद में ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस करो क्वेश्चन सॉल्व करो खुद के नोट्स बनाओ ठीक है प्रिपेयर

फर्स्ट आई थिंक कॉमन थिंग व्हिच आई टेल इन ऑल ऑफ माई सेशन की आप जितना थ्योरी जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो जब तक क्वेश्चन लगाओगे कुछ नहीं होगा राइट रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले एंड कॉन्सेप्ट मेक अ लिस्ट क्विकली गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा राइट तो इंपॉर्टेंट फार्मूला करेक्ट इक्वेशन आपने लिखी है कि नहीं रिव्यू करो जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं क्योंकि गलतियां सबसे होती है कभी कभी टू की जगह थ्री लिख दोगे फिर आपका ब्लेंडर मिस्टेक हो सकता है आंसर नहीं आएगा सही बैलेंसिंग नहीं होगी तो ये सब चीजों आप पे आपको काम करना है यू हैव टू ऑल्सो रिव्यू वॉट यू हैव रिटर्न ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एग्जाम को के प्रिपरेशन के लिए मिड टर्म के लिए स्पेशली वी हैव लॉन्च फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विच इज एब्सोल्यूटली फ्री तो हर सब्जेक्ट के पांच टेस्ट पेपर्स मिलेंगे आपको जिसको हमने और कॉन्टेंट आई मीन टूगेदर वी हैव वर्कड अपॉन इट एंड वी आर गिविंग यू दट क्वेश्चन पेपर्स फॉर एब्सोल्यूटली फ्री जो कि पूरा मिड टर्म के फॉर्मेट में है ठीक है ओके okay, नेक्स्ट है आपका एनसीआर बेस्ड क्वेश्चंस फोकस ऑन सॉल्विंग पीवाईक्यू जब आपके

रिवाइज करो सी ऐसा टाइम टेबल बनाना जो फीजिबल हो फीजिबल मतलब कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसको फॉलो कर सको क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा एंड इट डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट की कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा कुछ वीक होगा जो वीक है उस पर भी ध्यान देना ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे एक बैच भी है which is your akar batch, जहाँ पे जो आपके YouTube teachers आपको respective subjects पढ़ा रहे वही पढ़ा रहे हैं आपको आकार बैच में भी तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो लिंक इज मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट इज इट फ्रॉम माई साइड आई होप आज का ये छोटू सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना सी यू सून अनदर अमेजिंग सेशन टेक केयर